हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है सोयाबीन मंचूरियन रेसिपी। जैसे कि आप पनीर मंचूरियन बनाते हैं, इस रेसिपी को भी लगभग उसी तरह बनाते हैं और यह भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए और इसे हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम एक कप सोयाबीन वड़ी लेंगे और एक बर्तन में हम 3 कप पानी को उबलने के लिए रख देंगे और उसमें 1/2 चम्मच हम नमक डालेंगे और फिर सोयाबीन वड़ी को हम डालेंगे। गैस बंद कर देंगे, इसे थोड़ा सा मिलाकर आप इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि अच्छे से फूल जाए। फिर इसके बाद इसे 3 से 4 बार हम अच्छे से पानी से धो लेंगे और ठंडा पानी डालकर रख देंगे। अब इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है हम उसे अच्छे से निचोड़ कर निकाल लेंगे, थोड़ा भी इसमें पानी ना रहे। इसके लिए हम देख लेते सब्जी क्या लगेगी। तो 2 प्याज को हम इसे बड़े बड़े स्क्वायर में काट लेंगे, 1 शिमला मिर्च को काट लेंगे और हरा प्याज की पत्ती लेंगे 1/2 कप। 2 से 3 हम हरी मिर्ची लेंगे, बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन को हम 1-1 चम्मच ले लेंगे। सोयाबीन वड़ी में हम 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर आटा डालेंगे, 2 चम्मच मैदा, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1.5 चम्मच हम सेजवान चटनी डालेंगे। अब इन सबको हमें अच्छे से मिलाना है। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे अच्छे से मिलाएंगे तो यह मिल जाएगा। देखिए यह अच्छे से मिल गया है। इसके लिए हमें तेल को हाई मीडियम फ्लेम पे गरम करना होगा। अब इसमें 1-1 करके हम यह अपना सोयाबीन वड़ी को डालेंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा ना डालें, इतना ही डालें कि जितना इसमें आ सके और इसे हम लगातार चला चला कर तल लेंगे। इसे हमें तब तक तलना है जब तक ये थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए। ये झटपट तल जाता है, बहुत टाइम नहीं लगेगा। देखिए ये हो चुका है। इसे आप टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए ताकि जो इसमें तेल हो वह अच्छे से सोख कर ले। इसी तरह सारे वड़े इसको हम तल लेंगे। इसके बाद एक कटोरे में हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसमें 1/2 कप पानी डालकर इसका हम घोल बना लेंगे। 1 कटोरे में हम 1 चम्मच सेजवान चटनी, 1 चम्मच सोया सॉस, रेड चिली सॉस 1 चम्मच, 1 चम्मच विनेगर, इन सबको मिला लेंगे। इसे हम साइड में रख देंगे। अब एक पैन हम गरम करेंगे, उसमें 2 चम्मच हम तेल डालेंगे। इसमें अब अदरक और लहसुन को हम डाल देंगे। इसे 10 से 15 सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम प्याज को डालेंगे, इसे भी हम 10 से 15 सेकंड फ्राई कर लेंगे। इसे हमें हाई फ्लेम पे ही करना है। अब इसमें हम शिमला मिर्ची को डालेंगे। अब इन दोनों को लगभग 30 सेकंड हम फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे ही इसे फ्राई करें। अब जो हमने यह घोल बना के रखा था इसे हम अब सब्जी में डालकर थोड़ा सा पका लेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, यह वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं हो पाया कैमरे की प्रॉब्लम की वजह से। कोई बात नहीं, आप इसे थोड़ा सा पका लीजिए। अब इसके बाद हमने जो कॉर्नफ्लोर का घोल बना के रखा था उसे हम डाल देंगे। इसे मिक्स कर लीजिए। इसमें हम 1/2 कप और पानी डालेंगे क्योंकि यह थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। थोड़ा सा आप नमक डाल लीजिए। अब इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे। थोड़े समय के आप बाद देखेंगे यह थोड़ा इसका कलर चेंज हो रहा है और यह गाढ़ा भी हो रहा है। अब यह लगभग हो चुका है। अब इसमें हम जो मिर्ची काट के रखे थे उसे डाल देंगे और सोयाबीन को हम डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। अब इसे हम लगातार चलाते हुए लगभग 30 सेकंड तक पका लेंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे इस पे एक अच्छे से ग्रेवी की कोटिंग हो जाएगी। फिर इसके ऊपर हम हरा प्याज को डाल देंगे और इसे चलाकर मिक्स कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं ये एकदम यम्मी सोयाबीन मंचूरियन बनके तैयार है। बस इसे आप एक दूसरे बर्तन में गर्मा गर्म परोसिए और इसे खाइए, यह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।